नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मूवी न्यूज पर। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के एक बेहतरीन एक्टर। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक्टर फरजीन खान के बारे में। फाइनली साल 2025 में इनका सबसे बड़ा कमबैक होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये हमें बॉलीवुड के सबसे महंगी फिल्मों में से एक फिल्म में नजर आने वाले। तो अगर आप भी इनके बहुत बड़े फैन हैं और जानना चाहते हैं कि ये फिल्म कौन सी होने वाली है और कब तक रिलीज होने वाली है, तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फिल्म हाउसफुल 5 के बारे में, जो कि इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्मों में से एक है। जी हाँ दोस्तों, इस सीरीज के 4 पार्ट ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद आए और बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल साबित हुए। दोस्तों अगर बात करें फिल्म हाउसफुल 5 के बारे में, तो इस फिल्म को डायरेक्टर तरुण मनसुखानी के डायरेक्शन में बनाया जा रहा है, जिसकी शूटिंग अभी जनवरी में शुरू होने वाली थी, लेकिन दोस्तों कुछ कारणों से डेट आगे बढ़ गई और दोस्तों ये शूटिंग अब मार्च या अप्रैल में शुरू की जाएगी। और दोस्तों फाइनली इसकी स्टार कास्ट में काफी बड़ा बदलाव हो चुका है। जी दोस्तों, पहले इस फिल्म में हमें अभिषेक बच्चन नजर आने वाले थे, लेकिन बताया जा रहा है कि उन्होंने इस फिल्म के लिए मना कर दिया, जिसके चलते बॉलीवुड के एक बेहतरीन एक्टर फरजीन खान को इस फिल्म के लिए अप्रोच किया गया और उन्होंने हामी भी भर दी है। और बताया जा रहा है कि फरजीन खान का भी काफी जबरदस्त रोल होने वाला है और एक बार फिर से ये हमें अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाने वाले हैं। दोस्तों फिल्म का बजट काफी हाई होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म इंडिया की अभी तक की सबसे बड़े बजट की कॉमेडी फिल्म होने वाली है। बताया जा रहा है कि फिल्म का बजट लगभग 350 करोड़ के आसपास होने वाला है। अगर बात करें फिल्म के रिलीज डेट के बारे में, तो दोस्तों पहले ये फिल्म दिवाली 2024 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फिल्म थोड़ी आगे खिसक चुकी, जिसके चलते बताया जा रहा है कि ये फिल्म अब हमें 2025 के स्टार्टिंग में सिनेमाघरों में देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों आप सभी इस फिल्म को देखने के लिए कितना एक्साइटेड है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।